हम लोग इससे पहले वीडियो में डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा कैंटिलीवर तथा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन और स्लोप ज्ञात करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो इसमें पहले एक कैंटिलीवर बीम लेते हैं जिसके कोने पर, जिसके स्वतंत्र सिरे पर एक पॉइंट लोड लगा है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन आएंगे, एक बार कैंटिलीवर बीम के पूरे लेंथ पर यूडीएल लगा होगा, एक बार पॉइंट लोड उसके स्वतंत्र सिरे पर न लग के बीच में कहीं लगा होगा, ठीक है। तो उसके लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप का हम ज्ञात करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा, ठीक है, दोहरे समाकलन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम एक कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे पर एक संकेंद्रित मतलब पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, उसके द्वारा स्लोप और डिफ्लेक्शन हम ज्ञात करते हैं। तो कैंटिलीवर बीम उसे बोलते हैं जिसका एक सिरा फिक्स हो तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो। तो इसके स्वतंत्र सिरे पर W का भार लग रहा है। जब इस पर भार नहीं लग रहा है तब बीम की लंबाई L है और वो एकदम क्षैतिज दिशा में है, ठीक है। तो उस बीम पे एक पॉइंट P मानते हैं जो कि बद्ध सिरे से, फिक्स सिरे से या सिरा A से x दूरी पर है और कैंटिलीवर बीम की जो लंबाई है L है, ठीक है। जब इस पर लोड लगता है तो इसमें डिफ्लेक्शन आती है, विक्षेप आती है ठीक है। तो बिंदु B में विस्थापन कितना हो जाता है, YB का हो जाता है। ये हमारा क्या है, बिंदु B का विस्थापन विक्षेप YB हो जाता है, ठीक है। और हमारा बिंदु P पर वही B का भी विस्थापन हो जाता है और ये भी P पे आ जाता है, ठीक है। तो हम बिंदु A से x दूरी पर बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, mx बराबर W, पॉजिटिव हुआ नीचे की तरफ है, और x दूरी के लिए निकालना है मतलब बिंदु P के लिए निकालना है। तो बिंदु P पर हमारा जो डिफ्लेक्शन है, अरे जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा मतलब बेंडिंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी बिंदु P पर, बल गुणे दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल L है, ये L है, तो L माइनस x, ठीक है। तो बिंदु B से बिंदु P पर हमारा जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, W L माइनस x होगा, ठीक है। तो m का मान निकल गया। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में के द्वारा हमारा EI बराबर कितना होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। ये किसके बराबर होता है, सॉरी EI इंटू डिवाइड डी स्क्वायर बार m के, और m का मान हमने निकाल लिया है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई EI, m का मान रख देंगे तो L माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण का हम एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो dy/dx प्राप्त होगा मतलब स्लोप प्राप्त होगा, और जब इसका पुनः एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो विक्षेप का मान निकल जाएगा मतलब y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण का हम एक बार समीकरण एक का समाकलन करेंगे। तो समीकरण एक का, तो m का मान W L माइनस x है, तो दोहरे समीकरण के क्वेश्चन में EI d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर m है, ठीक है। तो m में हम W L माइनस x का मान रख देंगे और फिर उसका एक बार समाकलन करेंगे तो हमारा विक्षेप प्राप्त, अरे सॉरी ढलान प्राप्त होगा, और जब हम दूसरी बार पुनः इसका समाकलन करेंगे तो हमारा विक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने मान रख दिया है 1 बाई EI W इंटू L माइनस x, ठीक है। अब समीकरण एक का हम एक बार क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो एक बार समाकलन किया dx के रिस्पेक्ट में तो dy/dx बचा, और इसका समाकलन किया था W अपॉन EI LX माइनस x स्क्वायर बाई 2
और जब समाकलन करते हैं तो एक नियतांक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इस नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण दो में अब इस नियतांक का मान ज्ञात करेंगे, तो ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट x है, ठीक है, यदि इस पॉइंट को हम a सिरे पर ले जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब मान रखेंगे तो जब x बराबर जीरो तो c1 का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जब x जीरो होगा तो ढलान क्या होगा, जीरो होगा ना। तो इस वजह से यहाँ पर हम जब x बराबर जीरो करेंगे तो ढलान जीरो हो जाएगा और c1 का मान जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो c1 का मान निकालेंगे तो हम देखते हैं कि जब x का मान a पर लाते हैं मतलब x बराबर जीरो, तो बीम का कोई भी ढलान नहीं होगा, मतलब कि ढलान x बराबर जीरो पर ढलान कितना हो जा रहा है, जीरो, ठीक है। तो जब x बराबर जीरो रखे तो c1 का मान कितना आ गया, जीरो, ठीक है। तो c1 का मान समीकरण दो में रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, dy by dx बराबर डब्ल्यू ई आई एल माइनस एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है समीकरण नंबर तीन, इस पर हम किसी भी पॉइंट पर हम ढलान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो x के किसी भी मान पर हम ढलान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा कैंटिलीवर बीम हो जिसके स्वतंत्र सिरे पर एक पॉइंट लोड लगा हो, तो उस पर किसी भी पॉइंट पर हमें ढलान ज्ञात करना हो तो समीकरण नंबर तीन का उपयोग करेंगे, ठीक है। और x का मान हमारा ज्ञात होगा, मान लीजिए x का मान यहाँ वन है यहाँ टू है, तो हम x का मान रखते हुए हम क्या करेंगे, ढलान का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ढलान ज्ञात हुआ। अब इस समीकरण मतलब कि ढलान के समीकरण को एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा विक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर तीन का पुनः एक बार और समाकलन करने पर, तो समीकरण नंबर तीन का जो कि ढलान का समीकरण है इसका पुनः एक बार और समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy by dx x के सापेक्ष समाकलन इंटू डब्ल्यू अपॉन ई आई एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का समाकलन। तो समाकलन करने पर डब्ल्यू ई आई इंटू एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू बाई सिक्स, ये समाकलन करने पर आ गया। और समाकलन के बाद एक नियतांक जोड़ते हैं, तो हमने एक नियतांक यहाँ सी वन जोड़ा है तो यहाँ पर सी टू जोड़ दिया, ठीक है। अब सी टू का मान निकालेंगे, जब एक्स बराबर जीरो, जब एक्स यहाँ पर है तो हमारा कोई भी विक्षेप नहीं होगा, जब एक्स बराबर जीरो तो y बराबर भी क्या होगा, जीरो। तो इसका मान समीकरण चार में रखेंगे तो c2 का मान कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। क्यों, देखिए जब x बराबर जीरो p बिंदु x जीरो x पर आ जाएगा तो कोई भी विक्षेप नहीं होगा इस पर, ठीक है। तो विक्षेप क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब हम मान रखेंगे x का समीकरण नंबर चार में तो c2 का मान हो जाएगा जीरो, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, विक्षेप का फॉर्मूला आ जाएगा, कब, जब हमारे एक कैंटिलीवर बीम पर के स्वतंत्र सिरे पर एक संकेंद्रित भार लगा हो, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू अपॉन सिक्स। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये ढलान का आया किसी भी बिंदु पर, कैंटिलीवर के किसी भी बिंदु पर अगर उसके स्वतंत्र सिरे पर हमारा डब्ल्यू का भार लगा है तो उसके लिए किसी भी बिंदु पर ढलान का ये सूत्र हो गया, ठीक है। और उसी तरह विक्षेप का किसी भी बिंदु पर जब किसी कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे पर एक डब्ल्यू भार कार्य कर रहा हो तो उसके किसी भी बिंदु पर हम विक्षेप ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर पाँच का उपयोग करके, ठीक है। तो तीन समीकरण नंबर तीन से किसी भी बिंदु पर एक्स का मान रखते हुए हम ढलान ज्ञात करेंगे और समीकरण नंबर पाँच से किसी भी बिंदु पर हम विक्षेप ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक्स का मान हमें ज्ञात होगा तो एक्स का मान रख के हम विक्षेप तथा ढलान हम ज्ञात करेंगे एक कैंटिलीवर बीम के जिसके स्वतंत्र सिरे पर W भार का पॉइंट लोड लगा हो, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, किसी भी बिंदु पर हम क्या निकाल लिए, ढलान निकाल लिए और विक्षेप निकाल लिए। तो हम अब अधिकतम दूरी पर हम ढलान तथा विक्षेप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जगह कम है तो हम इसी में एक इधर एक इधर हम मैक्सिमम ढलान निकाल लेते हैं, इधर हम मैक्सिमम विक्षेप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम ढलान कब आएगा, जब भी कैंटिलीवर बीम है उसके स्वतंत्र सिरे पर लगेगा तो जो सबसे अधिक कोण बनाएगा वो स्वतंत्र सिरे पर ही बनेगा क्योंकि स्वतंत्र सिरे पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम विक्षेप जो खींचेंगे स्पर्श से खींचेंगे तो वो एक्स, वो जो हमारी ए बी के अनुदिश जो जा रही है एक्स अक्ष के अनुदिश जो है उसको काटेगा, वही मैक्सिमम क्या बनेगा, कोण बनेगा।
तो हमारा मैक्सिमम कहाँ आ जाएगा, जब एक्स बराबर हमारा एल होगा तो मैक्सिमम हमारा विक्षेप होगा। तो हम इसमें क्या, सॉरी, जब हम एक्स बराबर एल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ढलान आएगा। तो हम ढलान के सूत्र में एक्स की जगह एल रख देंगे तो हमारा क्या पता चलेगा, मैक्सिमम ढलान का मान प्राप्त होगा। ठीक है, किसके लिए, जब एक कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे पर डब्लू का भार लगा हो। ठीक है, तो मैक्सिमम ढलान के लिए एक्स बराबर एल, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम ढलान के लिए एक्स बराबर एल। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ एक्स है ढलान वाले समीकरण, वहाँ वहाँ हम एल रख देंगे। तो और मैक्सिमम ढलान आएगा कहाँ, ए सिरे से एल दूरी पर बी पर। ठीक है, तो थीटा बी बराबर थीटा मैक्स। ठीक है, अब इसमें डब्लू बाई ई आई, डब्लू बाई ई आई, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एल, तो रखेंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह एल रखेंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एल स्क्वायर बाई टू, मतलब कि मैक्सिमम ढलान का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डब्लू ई आई एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एल स्क्वायर बाई टू, तो थीटा मैक्स मतलब ढलान कितना हो जाएगा, डब्लू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर बीम जिसके स्वतंत्र सिरे पर डब्लू का भार लगा है उसके लिए ढलान, अधिकतम ढलान कितना होगा, डब्लू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई होगा। अब इसी तरह हम मैक्सिमम विक्षेप निकाल लेते हैं। मैक्सिमम विक्षेप के लिए भी, मैक्सिमम विक्षेप भी कहाँ होगा, बी पॉइंट पर होगा, मतलब एक्स बराबर एल। तो विक्षेप के फार्मूला में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एल रख देंगे। ठीक है, तो वाई मैक्स, वाई मैक्स कहाँ होगा, वाई बी पे होगा। तो डब्ल्यू ई आई समीकरण नंबर 5 में हम एक्स बराबर एल रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल मतलब कि एल क्यूब बटा में 2 माइनस एल क्यूब बटा में 6। हल करने पर आ जाएगा ये वाई बी बराबर डब्ल्यू ई आई एल क्यू अपॉन 2, सॉरी एल क्यू अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, मैक्सिमम विक्षेप बराबर कितना आ जाएगा, डब्लू ई आई एल क्यू बटा में 3। ठीक है, मतलब कि डब्लू एल क्यू अपॉन 3 ई आई। ठीक है, तो इस तरह हमने कैंटिलीवर बीम जिसके स्वतंत्र सिरे पर डब्लू का भार लगा है उसके लिए मैक्सिमम ढलान का मान निकालें कितना आया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और मैक्सिमम विक्षेप का मान निकालें उसके लिए मान कितना आया, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 आई। ठीक है, तो इस तरह हम डबल इंटीग्रेशन मेथड का उपयोग करके एक कैंटिलीवर बीम का विक्षेप, किस विक्षेप तथा ढलान निकाला, और जब उस, और ये कंडीशन कब है, जब उसके स्वतंत्र मतलब कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे पर डब्लू का भार लगा हुआ। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमने पहले हमने एक कैंटिलीवर बीम लिया जिसके स्वतंत्र सिरे पर डब्लू भार लगा है, उस कैंटिलीवर बीम की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। ठीक है, तो एक्स दूरी पर हमने एक बिंदु पी माना। ठीक है, और बिंदु बी से बिंदु पी पर हमने मूवमेंट निकाला, तो मूवमेंट निकाला एम एक्स डब्लू एल माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इस एम का मान हम डबल इंटीग्रेशन मैथड के फार्मूला में रखा तो ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एम आया। ठीक है, तो इस तरह हमने ये ज्ञात कर लिया। ठीक, अब इस समीकरण का हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो
तो हमें विक्षेप प्राप्त होगा। तो विक्षेप क्या प्राप्त हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डब्ल्यू ई आई एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, ये हमें ज्ञात हुआ। ओके, तो अब सी वन समाकलन क्या है, नियत समाकलन नियतांक है, तो सी वन का मान निकालना पड़ेगा। तो सी वन का मान एक्स पर डिपेंड कर रहा है, जब एक्स बराबर जीरो तो ढलान क्या हो जा रहा है, जीरो, जब ये बिंदु ए पर है तो वहाँ पर ढलान जीरो है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो रख दिया समीकरण दो में, तो सी वन का मान आ गया, और सी वन का मान समीकरण दो में रख दिया तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेगा, यही मान हमारा किसका है, ढलान का, यही मान ढलान का है, ठीक है। जब ढलान का मान निकल गया तो ये ढलान, पुनः इस समय ढलान के सूत्र का हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, तो y का मान कितना, y बराबर w अपन ई आई एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू अपॉन सिक्स। और एक और समाकलन नियतांक c2 ज्ञात हो गया, तो c3 को मान ज्ञात करने के लिए जब x बराबर जीरो करेंगे, क्योंकि c2 ये भी x पर डिपेंड है, तो जब x बराबर जीरो होगा तो y बराबर क्या होगा, जीरो। तो जब y बराबर जीरो हो जाएगा तो c2 बराबर भी जीरो आ जाएगा समीकरण चार में मान रखने पर, तो हमारा विक्षेप का जो फार्मूला आया वो कितना आया, डब्ल्यू ई आई इंटू एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यू अपॉन सिक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा विक्षेप और ढलान का सूत्र प्राप्त हुआ। जब हमारा अब ये इसका है कि हम ए बी के किसी भी पॉइंट पर हम ढलान तथा विक्षेप का मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम ढलान, और मैक्सिमम ढलान कहाँ प्राप्त होगा, बिंदु बी पर प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब कि एक्स बराबर एल। तो अब जहाँ जहाँ हमें मैक्सिमम ढलान की बात करेंगे तो ढलान पर हुआ में जहाँ एक्स है वहाँ एल रख देंगे, और विक्षेप का बात करेंगे तो विक्षेप जहाँ पर है वहाँ पर, जहाँ एक्स है वहाँ पर एल रख देंगे। तो ढलान का मान रखने पर मैक्सिमम मान आया डब्ल्यू एल क्यू एल स्क्वायर अपन टू ई आई, ठीक है, थीटा मैक्स बराबर कितना आया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन टू ई आई, और वाई मैक्स कितना, मतलब कि विक्षेप, मैक्सिमम विक्षेप कितना आया, डब्ल्यू एल क्यू अपन थ्री ई आई। इस तरह हम कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर एक पॉइंट आउट लगा हो तो उसके किसी भी बिंदु पर तथा उसके मैक्सिमम ढलान तथा विक्षेप का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, जब कैंटिलीवर बीम के किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड कार्य कर रहा हो। नेक्स्ट हमारा है कैंटिलीवर बीम के किसी बिंदु पर पॉइंट लोड लगाओ। तो एक कैंटिलीवर बीम ए भी है जिसकी लंबाई एल है, ए सिरे से ए दूरी पर बिंदु सी स्थित है, वहीं पर हमारा एक पॉइंट लोड डब्ल्यू कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बी बिंदु से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, एल माइनस ए हो जाएगी, पूरी लेंथ एल है और ए से सी तक के बीच की दूरी ए है, तो बी सी के बीच की दूरी एल माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब लोड लगा तो क्या होगा, हमारा बीम में डिफ्लेक्ट होगा, बीम में विक्षेप होगा, तो जो मैक्सिमम दूरी आएगी वो सी बिंदु पर आएगी, मैक्सिमम विक्षेप जो आएगी वो सी पॉइंट पर आएगी, ठीक है। सी से बी के बीच में कोई भार नहीं लगा है, तो सी से बी की दूरी क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, क्योंकि इस पर कोई लोड नहीं है, जो भी लोड है ए सी पर लोड है, सी बी पर लोड नहीं है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम विक्षेप आएगा वो कहाँ आ जाएगा, बिंदु सी पर आ जाएगा, क्लियर है। तो सी बी भी हमारा क्या होगा, विक्षेप होगा, लेकिन ये सीधी रेखा होगी, ठीक है। ये हमारा कर्व आएगा, लेकिन सी पर मैक्सिमम कर्व आएगा, लेकिन सी बी पर हमारा कोई लोड नहीं है, तो सी बी क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। तो फिर एक बार से हम देख लेते हैं कि जब बिंदु सी पर हमारा डब्ल्यू लोड लगा तो जो भी विक्षेप आएगा, जो भी ढलान आएगा बिंदु सी पर आएगा, सी बी रेखा पर कोई विक्षेप कोई ढलान नहीं आएगा, ये एक सीधी रेखा में प्राप्त होगी, मतलब ये भी तो इसके साथ लगी है तो ये भी घूमेगी, लेकिन ये एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। तो सी डैश बी डैश हमारा सीधा विक्षेप है, मतलब कि इसमें कोई कर्व नहीं बनेगा, कर्व किस में बनेगा, ए से सी डैश के बीच में, अर्थात सी बिंदु पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम विक्षेप होगा, ठीक है, और मैक्सिमम ढलान आएगा, ठीक है। तो और ढलान मैक्सिमम कितना आएगा, थीटा सी आएगा, अगर इससे हम स्पर्शी खींचे तो इससे थीटा कोण बनाएगा, और ये इसके समांतर है, सी जो ये हमारे ये पॉइंट है ये एक्स एक्स के समांतर है, तो ये भी थीटा सी का कोण बनाएगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनेगा थीटा सी का, ठीक, इसको हम अभी अभी आगे करते हैं। तो हमने अभी हमने निकाला है मान मैक्सिमम
ढलान के लिए, तो मैक्सिमम ढलान का सूत्र क्या था, थीटा बी थीटा सी, यहाँ पर मैक्सिमम सी पॉइंट हो रहा है, तो थीटा सी बराबर डब्लू एल स्क्वायर ना। लेकिन यहाँ पर एल दूरी पर ना हो गए, ये मैक्सिमम कहाँ हो रही है, ए दूरी पर, तो एल की जगह डब्लू ए स्क्वायर अपॉन टू ई आई, ठीक है, ये मैक्सिमम क्या हो गया, ढलान हो गया। ठीक, अब विक्षेप की बात करें तो मैक्सिमम विक्षेप कहाँ प्राप्त हो रहा है, हमारा बी सिरे पर ना, मैक्सिमम विक्षेप कहाँ प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम विक्षेप अगर कर्व की बात करें तो सी डैश पर हो रहा है, लेकिन हम टोटल बीम की बात करें तो मैक्सिमम विक्षेप बी डैश बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, मतलब बी सिरे पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम विक्षेप के लिए अब हम त्रिभुज, इसको हम कोई पॉइंट दे दें, एम पॉइंट दे दें, ठीक है, तो अब हम त्रिभुज सी डैश एम बी डैश, देखिए बी से एम तक, बी एम तक का तो हमें पता है वाई सी है, लेकिन एम बी डैश का मान हमें नहीं पता है, तो एम बी डैश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी डैश एम बी डैश एक त्रिभुज लेंगे जो कि समकोण है, ठीक है, ये क्षैतिज, ये लंब और ये इसका कर्ण, क्योंकि ये सीधा सीधा है, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी से एम बी डैश का मान निकालेंगे, ठीक है, तो वाई सी प्लस एम बी डैश कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम विक्षेप निकल जाएगा। ठीक है, तो विक्षेप कहाँ हमारा प्राप्त होगा, इसका बी सिरे पर, वाई सी तो इसका मैक्सिमम आएगा ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से, लेकिन ये जो सी बी लाइन है ये एक सीधी रेखा है, मतलब सी डैश बी डैश हमारा क्या है, सीधी रेखा है, तो इसका मान निकाल के हम वाई सी में जोड़ देंगे तो वही हमारा मैक्सिमम विक्षेप होगा। ठीक है, तो एम बी डैश का मान निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन सा, सी डैश एम बी डैश त्रिभुज से, ठीक है, त्रिभुज सी डैश एम बी डैश से, ये हम ये त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम विक्षेप के लिए, कर्व का मैक्सिमम विक्षेप तो वाई सी पर आ जा रहा है, तो वाई सी का तो मान यहाँ पर निकल ही जाएगा, लेकिन एम बी डैश हमारा क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एम बी डैश का मान हम त्रिभुज के द्वारा निकालेंगे, तो वो त्रिभुज क्या है, सी डैश एम बी डैश। ओके, तो यहाँ पे हम टेन थीटा, ठीक है, कितने का एंगल है, थीटा का एंगल, थीटा सी का है, तो टेन थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा में आधा, ठीक है, तो एम बी डैश बटा में सी डैश एम, ठीक है, तो एम बी डैश का मान हमें निकालना है, तो एम बी डैश और सी एम का मान कितना है, एल माइनस ए, ओके, एल माइनस ए। ठीक, अब यदि जानते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बीम है जिसका थीटा सी अगर कम है, मगर थीटा सी का मान अगर कम ले तो थीटा सी इज ए लेस लेस देन, देन किसके बराबर होता है, थीटा सी, थीटा के, टेन थीटा सी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा सी के तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात टेन थीटा सी का मान कम हो तो टेन थीटा सी इज इक्वल टू कितना, थीटा सी। ओके, तो हम टेन थीटा सी की जगह थीटा सी लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एम बी डैश अपॉन एल माइनस ए इजकल टू थीटा सी। ओके, अब जब हमारा एम बी डैश है तो एम बी डैश का मान निकालेंगे, तो एम बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, थीटा सी इंटू में एल माइनस ए। ठीक है, मतलब कि ये दूरी एम बी की दूरी हमें प्राप्त होगी, एम बी की दूरी, एम बी डैश की दूरी प्राप्त होगी कितना होगी, एल माइनस ए इंटू थीटा सी। ठीक है, एल माइनस ए इंटू थीटा सी ये दूरी हमें प्राप्त होगी, इसको सही से कर लेते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र सिरे पर अधिकतम विक्षेप, तो वाई सी तो मैक्सिमम जहाँ ढलान आएगा वहीं मैक्सिमम विक्षेप आएगा, लेकिन सी बी पोर्शन पर कोई लोड नहीं है, तो उस वो भी उसके साथ झुक रहा है, तो उसका हम मान निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो वही हमारा मैक्सिमम विक्षेप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सिरा यहाँ होता तो मैक्सिमम विक्षेप लेते, तो मैक्सिमम विक्षेप के लिए हमें जो एक्स्ट्रा सिरा है उसको उसका मान निकाल के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बी एम तो वाई सी का मान है, वाई सी का मान हम जानते हैं, निकालें अभी इससे पहले कितना था, डब्लू ए क्यू अपॉन थ्री ई आई। ओके,
यहाँ पर अगर मैक्सिमम विक्षेप की बात करें डब्ल्यू एल क्यू अपॉन थ्री यही हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम विक्षेप कहाँ जा रही है सी पॉइंट पर कर्व के लिए, तो डब्ल्यू ए क्यू अपॉन थ्री आई, लेकिन सी भी सीधी होने की वजह से इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने मान निकाला तो कितना आया एम बी डैश का मान थीटा सी इंटू एल माइनस ए, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमारा मान लेगा, और थीटा सी का मान हमने कितना निकाला है डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन टू ई आई, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम विक्षेप आ जाएगा एक कैंटिलीवर बीम जिसके स्वतंत्र सिरे पर मान स्वतंत्र सिरे पर डब्ल्यू बाहर न लग के उसके बीच कहीं पे लगा हुआ कोई पॉइंट लोड है, तो उसके लिए मैक्सिमम विक्षेप कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए क्यू अपॉन थ्री ई आई, ये तो विक्षेप हो गया, प्लस थीटा सी का मान डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन टू ई आई, ठीक, इंटू में एल माइनस ए, थीटा सी का मान हमने कहा यहाँ से रख दिया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम विक्षेप आया, और ये कितना आया, ये मैक्सिमम ये मैक्सिमम ढलान आया और ये मैक्सिमम विक्षेप आया, ओके। तो इस तरह से हम एक कैंटिलीवर बीम के किसी भी बिंदु पर पॉइंट टूट लगा हो तो मैक्सिमम ढलान तथा मैक्सिमम विक्षेप का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें बस यही समझने वाली बात है कि मैक्सिमम ढलान तो जहां पर लोड लगेगा वहां पर मैक्सिमम ढलान तो आएगा, लेकिन उसके आगे का पोर्शन स्वतंत्र सिरे तक हमारा कोई लोड न लगने के कारण सीधा का सीधा रह जाएगा, लेकिन विक्षेप तो उसमें भी होगा, ठीक है। तो उस विक्षेप का हम एक समकोण त्रिभुज में टेन थीटा लगाकर उसका लंब की दूरी निकालेंगे, और बी बिंदु से जिस बिंदु तक हमारा लोड लगा है उस बिंदु पर हम वाई से निकाल लेंगे, और उसके बाद वाले बिंदु पर समकोण त्रिभुज का उपयोग करके लंब का मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि बी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा बी एम प्लस एम बी डैश, ठीक है। इसका मान रख देंगे और हमारा कैंटिलीवर बीम के किसी बिंदु पर पॉइंट लोड लगाओ तो उसके लिए विक्षेप आ जाएगा, ठीक है, और उसके लिए ढलान, तो ढलान कितना है थीटा सी बराबर डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन टू आई टू ई आई। अब ए का मान दिया होगा तो हम ए की जगह वो वैल्यू रख के ढलान निकाल लेंगे, और फिर हमारा ए का मान दिया होगा तो हम उस पर इस सूत्र पर मान रख के उसका विक्षेप निकालेंगे। इस तरह हमने कैंटिलीवर बीम के लिए निकाला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, अभी तो पॉइंट लोड की बात हुई है ना, तो अब इस पर हम कैंटिलीवर बीम लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब कैंटिलीवर बीम के पर हम क्या लगाएंगे, एक यूडीएल लगाएंगे, ओके। तो अगले वीडियो में हम लोग कैंटिलीवर बीम के पर एक यूडीएल लगाएंगे और उस पर डिफ्लेक्शन तथा बीम का मान ज्ञात करेंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक यूडीएल लगाकर विक्षेप तथा ढलान का मान ज्ञात करेंगे।